वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध यानी पांचवे स्कंध का छठवां अध्याय ले रहे हैं। जिज्ञासु परीक्षित ने अपने सद्गुरु सुखदेव जी से पूछा कि भगवान यह बताइए कि योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हों जल गए हों उन आत्मा राम मुनि के पास यदि देववश अणमादि लघ्मादि गर्मादि प्राप्ति इत्यादि सिद्धियां आती हैं तो उसको वो स्वीकार क्यों नहीं करते, उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया। ऋषभ देव जी ने बड़े प्रेम से और बड़े तरीके से बड़ी शालीनता से उन्हें पूछा योग रूप वायु से, क्योंकि योग रूप वायु ऐसी है जब भगवान से आपका मिलन होता है, श्री हरि से आपका मिलन होता है, आत्म ज्ञान आपको होता है तो एक ऐसी अज्ञात अदृश्य और इंद्रियातीत अग्नि जिसको कि ज्ञान कहते हैं वो आपके अंदर प्रज्वलित होती है जिससे आप राग आदि दोषों से यानी जो कर्म के बीज हैं ये राग आदि यही जन्म और मरण का कारण है, ये नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जिनके राग आदि बीज दग्ध हो गए नष्ट हो गए ऐसे जो आत्मा राम मुनि हैं उनके पास यदि भाग्यवश देववश का मतलब होता है प्रारब्धवश भाग्यवश अणिमादि सिद्धि आती है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि भगवान हनुमान जी को माता सीता जी ने जो कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत होई करें बहुत रघुनायक शोभु, और भगवान को माता जी ने सिद्धियां भी दी लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए उनके पास पहले से ही अणमादि लघ्मादि सिद्धि थी, तभी तो वो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिवलवीरा, तभी तो सुंदरकांड में देखो जब उन्होंने किटकिटा के वो रूप धारण किया जो पर्वत के समान था, जामवंत ने जब याद दिलाया और वहां से उन्होंने छलांग लगाई तो जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता, उतनी उनकी ताकत थी कि जिस पर्वत में लात मारी वहां से उन्होंने इसे छलांग लगाने वाला स्प्रिंग बोर्ड से छलांग लगाता है लॉन्ग जंप हाई जंप में तो वो जो स्प्रिंग बोर्ड होता है वो नीचे को दबता है और ऊपर की तरफ उछलता है तो पर्वत नीचे की तरफ दब गया। ऐसे ही जब भगवान ने कहा माता जी सीता जी ने कहा उनको कि मोरे मन परम संदेहा तब कपि प्रकट कीन निजदेहा, तो इस प्रकार से जो महापुरुष होते हैं
वो अणिमादि गरिमादि लग्मादि सिद्धियों का उपयोग, जैसे मशक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले सिमोह निंदरी, तो इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनका उपयोग वो समय समय पर करते हैं, लेकिन वो सिद्धियां उनको अहंकारी नहीं बना सकती। लेकिन कुछ लोग महापुरुष हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा कि जैसे व्याघ्र ग्रह का विश्वास नहीं करता, पकड़ने के बाद तुरंत मार देता है, ऐसे बुद्धिमान लोग चित्त का भरोसा नहीं करते। ये बात बुद्धिमान लोगों के लिए है, जो हनुमान जी जैसे सदगुरु के पद पर पहुंच गए ऐसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन चलो, मेरे जीवन की भी सत्य घटना है। 1983 में मुझे चंदनगिरी महाराज ने सिद्धियां प्रदान की थी, लेकिन मैंने उन सिद्धियों को वापस लौटा दिया, उनका उपयोग मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मुझे परमात्मा के परम ज्ञान को प्राप्त करना था। सिद्धियों का हमारा कोई, ज्ञानियों को सिद्धियों से ना कोई लगाव होता है ना कोई लक्ष्य होता है। इसलिए परीक्षित को कहा कि जैसे व्याघ्र, समझाने के लिए कहा अपने शिष्य को, जैसे शेर चीते होते हैं ये कभी भी अपने शिकार पर भरोसा नहीं करते, वो क्या करते हैं जैसे शिकार उनके पकड़ने में आया वैसे उसको मार डालते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो चित्त का भरोसा नहीं करते। दूसरा श्लोक है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करना चाहिए, यानी इस चंचल चित्त में कभी संलग्न नहीं होना चाहिए, हमेशा साक्षी के द्वारा इससे विलग रहना चाहिए, इसका दृष्टा रहना चाहिए। अगर जरा ही तुम इससे जुड़ गए, अटैच हो गए, तो न जाने कौन सी वृत्ति खड़ी करके मार डालेगा, क्या पता तुम्हारा को होश ही नहीं आने देगा और किसी जन्म में तुम्हें ले जाएगा। इसमें विश्वास करने से मोहनी रूप में फंसकर महादेव का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था, यह तीसरा श्लोक है। महादेव ने बहुत विनय किया विष्णु भगवान से कि जिस वक्त आपने राक्षसों को अपना मोहनी रूप धारण करके उनको वारुणी यानी शराब पिलाई और देवताओं को आपने अमृत पिलाया, वो रूप जिससे राक्षस मोहित हो गए थे और जो अमृत का घटा घड़ा छीन कर ले गए थे, जिन्होंने अमृत को भी आपके उस रूप आकर्षण के सामने कुछ भी नहीं समझा, वो चाहते तो सब पी लेते बांट के, लेकिन उन्होंने आपके रूप में मोहित होकर और अमृत का घड़ा आपको दे दिया कि हे तरुणी हे सुंदरी तुम ही बांट दो, अब इतना आप पे भरोसा कर लिया। जैसे संसार में फंसा हुआ मूर्ख व्यक्ति आत्मज्ञान को रूपी अमृत को तिरस्कृत करके संसार के संबंधों में भरोसा कर लेता है और वहां से उसको अविद्या और अज्ञान रूपी शराब ही पीने मिलती है, सतगुरु का अमृत नहीं मिल पाता। तो भगवान जैसे मोहनी रूप में फंसकर महादेव जी, महादेव जी ने कहा तो भगवान ने कहा देखो मत करो गड़बड़, मत देखो मेरा मोहनी रूप। बोले नहीं नहीं देखना है, तो दिखाया तब उनकी स्थिति खराब हो गई और संचित तप क्षीण हो गया। जैसे अगला श्लोक है, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को मौका देकर अपने पर विश्वास करने वाले पति का वध कर देती है, उसको मार डालती है। कई बार अखबार में आप पढ़ते होंगे कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पतियों को मार देती है। भागवत में लिखा है भैया मैं अपनी तरफ से नहीं ठोक रहा हूं। अब वैसे ही जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण कराने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जिज्ञासु हो सावधान हो जाओ। एक उदाहरण दिया है उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने शिक्षा को स्पष्ट बता दिया। वैसे ही जो योगी, योगी यानी परमात्मा को पाने वाले जिज्ञासु लोग मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन
क्या करता है? काम क्रोध आदि शत्रुओं को बुला लेता है और उन शत्रुओं से उस जीव पर आक्रमण करा देता है और परमात्मा को पाने का जो अवसर उसे मनुष्य का जन्म मिला था उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो भैया इससे कैसे बचा जाए? इसका रास्ता तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसका रास्ता है कि आप ध्यान करें, निरंतर अपने मन के साक्षी हो, निरंतर अपने मन के दृष्टा हो, ताकि ये मन तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी न कर सके। आगे भागवत कहती है कि काम क्रोध मद लोभ भय आदि शत्रुओं का कर्म बंधन मूल तो ये मन ही है। मन ही शक्ति, मन ही शिव, मन ही पांच तत्व को जीव, यह मन ले जो उन्मन रहे तो पांच तो तीन लोक की वार्ता कहे, गोरक्षनाथ भगवान की वाणी में। मन बंधन मोक्ष यो, ये शैव तंत्र में कहा है। चंचल मन निशिदिन भटकत है, जो मरकट तर ऊपर चढ़कर डार डार पर लटकत है, ये ब्रह्मानंद जी ने कहा है। इसलिए भागवत भी ये बात कह रही है कि ये जो कर्म बंधन का जो मूल है ये मन ही है, और इसके पास काम क्रोध मद लोभ भय आदि जो शत्रु हैं जीव के, ये इसके साथ ही रहते हैं। इस पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति भरोसा कैसे करे? ऐसे मन का साक्षी द्वारा सहज में उल्लंघन किया जा सकता है, अमन अवस्था में जाया जा सकता है, तो प्यारे मित्रों साक्षी का कितना अधिक लाभ है। लोकपालों के भूषण भगवान ऋषभ देव जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के वेश से, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ एक आत्मज्ञानी संत ऐसे भी होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, कोई बात करता है तो अंडबंड कुछ भी बोलते हैं, और कपड़े लत्ते भी बड़े अजब ढंग के पहनते हैं, कोई उनको पागल समझे ऐसा पहनते हैं। ऐसे ही ऋषभ देव अवधूतों के वेश से, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे, और अपने मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा डाले हुए कौंड वेहू और कर्नाटक आदि में घूमे, और फिर उनकी माया से प्रबल दावाग्नि वाले वन में प्रवेश करके अपने शरीर को उन्हें भस्म कर लिया। ये आठवां श्लोक है। ये श्रवण बेल गोला आपने सुना होगा, कर्नाटक में जो श्रवण बेल गोला है वहीं पर भगवान ऋषभ देव का शरीर मुक्त हुआ था, शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। ये आठवां श्लोक है, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि, ये तो मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं। अच्छा, कलयुग में अधर्म के प्रभाव से जो बुद्धिहीन लोग हैं वो स्नान न करके, आचमन न करके, अशुद्ध रहकर भगवान वृषभ देव की शिक्षा तो नहीं अपनाएंगे, लेकिन आडंबर अपना लेंगे। मैं विरोध ना हो इसलिए भागवत के उन वचनों को नहीं बोलना चाहता जो यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि उससे हमारे जैन धर्म के प्रेमियों को चोट पहुंचती है, और हमारा काम है सबको जोड़ना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं। इसलिए जो पाखंड धर्मों का मनमाना आचरण करने वाले लोग हैं ऐसा करेंगे, और वेद ब्राह्मण और भगवान मत पुरुषों की निंदा करेंगे, ज्ञानी पुरुषों की निंदा करेंगे। ये दसवां श्लोक है, ये भविष्यवाणी दी है, और शायद इसके कारण कतिपय लोग सनातन धर्म के साधु संतों और ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं मोक्ष तो हो ही नहीं सकता अब इस जन्म में।
वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति के अंधविश्वास को ग्रहण करके स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। यह 11वां श्लोक है। भगवान का यह अवतार रजोगुणी लोगों को यानी राजाओं को शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह 12वां श्लोक है। भोग अभिलाषा के कारण चिरकाल तक श्रेय से बेसुध मूर्छित लोगों को करुणामय निर्णय आत्म ज्ञान का उपदेश देने वाले निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाले भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। ये 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। इसकी समाप्ति पर अपन, क्योंकि मैं मांगलिक तो जानता ही नहीं ना, लेकिन फिर भी अपन इतना कहेंगे कि जैन धर्म के समस्त 24 तीर्थंकर को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर एक बार दोहराता हूं कि हमारे सनातन धर्म के इस बड़े पावन वृक्ष में जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, शैव्य, शाक्त, जितने भी इस भारतवर्ष के धर्म संप्रदाय हैं, सब एक सूत्र में बंधे हैं, क्योंकि सभी एक परमात्मा को स्वीकार करते हैं। मैं कहूंगा यम्बे विका मंत्र दृश पुराण इंद्रम यमम मातुरिश्वान माहु यम प्रार्थयन्ते जगदीश धारम सह एक एवा प्रभुरद्वितीया। प्रभु दो नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के जो मंत्रों की रचना की उसमें लिखा है। और यही कारण हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, और यही कारण हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आओ फिर हम दोबारा इस संपूर्ण विश्व को इस आत्म ध्यान, इस साक्षी ध्यान के माध्यम से एक सूत्र में बांधे और संपूर्ण विश्व में इस प्रेम की गंगा को बहाएं जो भगवान ने हमको इस सनातन धर्म के जीवन मूल्यों द्वारा दी है। शिवोहम शिवोहम।